इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिकली आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाले हो फिल्में किस तरह से बनती है, क्या क्या बैकग्राउंड वर्क होता है। एकदम देखो कि तो एडिटिंग रूम है जहाँ पे फिल्मों के नहीं टीवी सीरियल्स कमर्शियल एड और प्रोमो वीडियोस के एडिटिंग और फाइनल कट्स किए जाते हैं। और आगे देखो कि तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जिसका अपना ही अलग से 50 साल का इतिहास है, जहाँ पे लता दीदी जैसे काफी सारे सिंगर्स ने ट्रैक रिकॉर्ड कर लिए है। एक्चुअली पहले के जमाने में लाइव रिकॉर्डिंग की जाती थी, पूरा ऑर्केस्ट्रा प्ले किया जाता था, तो इसके बाद आपका फिल्में देखने का नजरिया भी 100% बदल जाएगा। तो इंटरेस्टेड हो? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं विजुअल्स के बारे में। जैसे कि एक वर्ड तो आप लोगों ने डेफिनेटली सुना है VFX, लेकिन हमें पता नहीं कि भाई ये फंडा क्या एग्जैक्टली किस तरह से काम करता है। तो इसको थोड़ा सा सिंपल करता हूँ। कोई भी विजुअल एडिटिंग करने से पहले हमें पुरानी फ्रेम बैकग्राउंड रिमूव करना होगा, इसके लिए इस तरह के ग्रीन फ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ग्रीन या ब्लू दो ही कलर इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों कलर छोड़ के बाकी जितने भी रिमेनिंग कलर है वो हमारे स्किन टोन से या फिर हमने जो कॉस्ट्यूम वेयर किया है उसके कलर शेड से मैच करता है। तो ये शूटिंग किस तरह से होती है, आर्टिस्ट एग्जैक्टली परफॉर्मेंस कैसे करते हैं, देखते हैं छोटे से AV के जरिए। जैसे कि बजरंगी भाईजान में सलमान खान लास्ट में किसी फोर्ट के लिए बैटल हुआ था मराठा और मुगल्स का, उस पर बेस वो फिल्म थी कोंडाना फोर्ट सिंहगढ़ नाम से जाना जाता है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में पुणे सिटी में वो। इसका सेट इसी फिल्म सिटी में विष्णु मैदान में लगाया था। MS धोनी फिल्म में 14 साल के M सुशांत सिंह ये जनाब थे। रांझना में सोनम कपूर और धनुष को ऐसे ही टीनेज यंगर दिखाया था। दंगल फिल्म में पब्लिक में आमिर खान असल में खड़े भी नहीं थे, पब्लिक का शॉट अलग से लिया था, आमिर सर का अकेले का शॉट अलग से ऐड था। एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो साहू आप लोगों ने देखी होगी, इंडिया की पहली बिग बजट विजुअल इफेक्ट फिल्म थी। इसमें जो आप श्रद्धा कपूर का डमी हेलीकॉप्टर देख पा रहे हो, जहां ऊपर लाइट हैंगिंग पे है वहां पे वो हेली हैंगिंग पे था, और श्रद्धा कहीं समंदर में नहीं मैं खड़ा हूं वहां पे गद्दे पे गिरी थी। पुष्पा का पूरा जंगल में असल में विजुअल इफेक्ट है, हमें फॉरेस्ट में शूटिंग करना ही अलाउ नहीं क्योंकि हमें नेचर और जानवरों का भी ध्यान रखना है। सो फिल्म में आप लोगों ने जो फॉरेस्ट देखा था वो सिर्फ एक विजुअल इफेक्ट था, और ये लाल चंदन की लकड़ी या थर्माकोल। इसी फिल्म का खूबसूरत सॉन्ग श्रीवल्ली भी आपको पसंद आया होगा। असल में अल्लू अर्जुन झरने पे डांस करते तो पैर से चप्पल नहीं खुद का बह जाते, हमें पता भी नहीं चलता, डांस भी क्रोमा पे ही किया था, झरने का विजुअल अलग से है। एयरपोर्ट्स भी फिल्मों में ग्राफिक्स द्वारा ही दिखाए जाते हैं, एक्चुअल एयरपोर्ट्स पे हम ऑन टाइम शूटिंग ही नहीं कर सकते। और फिल्मों में हम देखते हैं 50-60 माले की बिल्डिंग होते हैं, हीरो विलन आराम से भागा दौड़ कर रहा है, 2 फ्लोर के नीचे मुझे पर्सनली भगवान दिखने लग जाते हैं। तो ये परफॉर्मेंस भी 10-15 फीट की डमी दीवारों पे की जाती है, जिसके मल्टीपल फ्रेम्स बना के आप ऊंची बिल्डिंग देखते हो। जंगल बुक फिल्म में मोगली कैरेक्टर छोड़ के जानवरों से लेकर पूरा जंगल भी ग्राफिक्स का ही कमाल था। और क्रिश 3 हमारे इंडिया की पहली फिल्म थी जो कि 100% क्रोमा शूट है, मतलब उसका एक भी सीन रियल लोकेशन पे शूट नहीं किया था, पूरी फिल्म एक बंद स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन पे ही बनाई गई थी। इसका मतलब इस फिल्म में आप लोगों ने जो मुंबई सिटी देखी थी वो भी एक VFX था। सो बेसिकली फिल्मों का फ्यूचर ही यही है, हमें आउटडोर शूटिंग करने की जरूरत ही नहीं, अगर हम चाहे तो एक बंद स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन पे ही पूरी फिल्म मेकिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट ग्राफिक्स आज के डेट में इतने डेवलप हो चुके हैं कि अगर हमारे पास एक प्रॉपर सफिशियंट बजट हो तो बिना शूटिंग के भी हम फिल्में बना सकते हैं। एग्जाम्पल तो 2019 में द लायन किंग देखी होगी, डिज्नी की पेशकश थी, वर्ल्ड फर्स्ट फिल्म थी जो कि 100% ग्राफिक्स का ही कमाल है, जिसमें सिर्फ लायन को बनाने के लिए इंडियन करेंसी में अप्रॉक्सिमेटली 65 करोड़ बजट लग गया था, जो कि एक बहुत हेवी बजट है सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए। उतने बजट में ऑलमोस्ट हमारी फिल्में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एक एनिमल को बनाने के लिए उतना पैसा लग गया। तो इतना एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स होने के कारण ही हम आज के डेट में इस टेक्निक का ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन मे बी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि शूटिंग कंसेप्ट ही बंद हो जाए और हम ग्राफिक्स से ही फिल्में बनाना चालू कर दें। ओके, ये हो गया विजुअल का पार्ट। इसके बाद बात करते हैं डबिंग की। तो डबिंग में एक पार्ट तो आपको पता होगा, एक्चुअल में जहां शूटिंग की जाती है आर्टिस्ट के हाथ में कोई माइक नहीं होता, एक नॉर्मल लेवल माइक दिया जाता है, तो वो साफ तरीके से आवाज रिकॉर्ड नहीं कर सकता, और भले फ्रंट कैमरा 2-4 आर्टिस्ट हो लेकिन बैक कैमरा 100-150 से भी ज्यादा टेक्नीशियन, क्रिएटिव टीम, सपोर्टिव टीम होती है, तो अलग अलग डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसके लिए हम डायलॉग डिलीवरी अलग से रिकॉर्ड करते हैं शूटिंग कंप्लीट होने के बाद। लेकिन ये तो हो गया सिर्फ डायलॉग का पार्ट, डायलॉग छोड़ के एक फिल्म में हम सपोर्टिंग वॉइस कितने सुनते हैं कभी सोचा है? जैसे कि अगर शोले फिल्म देखने बैठ जाते हो तो उसमें दौड़ते हुए घोड़े के टापों की भी आवाज हमें सुनाई देती है, तो
घोड़े के पैर पे तो कोई माइक नहीं बनता होता या उसके पीछे माइक लेके हम भी नहीं दौड़ सकते धीरे दौड़ भाई मुझे आवाज रिकॉर्ड करनी है। उसी तरह से हीरोइन चलती है तो उसकी उम्र की छनछन आठ हो गई, कोई चीज उठाई जाती है कोई चीज रखी जाती है, मतलब हर एक आवाज हमें अलग से रिकॉर्ड की जाती है। तो इसके लिए भी अलग से टेक्निक होती है, अलग से आर्टिस्ट होते हैं। तो इनमें से एक आर्टिस्ट हमारे साथ भी यहाँ पे मौजूद है जिनको मैं यहाँ पे इन्वाइट करूंगा, इसके बारे में कुछ डिटेल में जानकारी और कुछ लाइव एग्जाम्पल वो आपको यहाँ पे सुना देंगे, तो आपको इसका फंडा पता चल जाएगा। सो प्लीज वेलकम कीजिएगा मिस्टर प्रथम एसर। हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम प्रथमेश है और मैं यहाँ पे एज अ फॉली आर्टिस्ट और एज अ एडिटर काम करता हूँ। जैसे सूरज सर ने आपको बताया कि किस तरह से हम विजुअल सेट कर सकते हैं, किस तरह से हम ट्रोमा फ्लोर का यूज करते हैं, ये एक टेक्निकल फ्लोर है। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा फिल्में किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से आवाज भरी जाती है, फिल्म रिलीज होने से पहले किस तरह से वर्क किया जाता है। तो फिल्म एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे फॉली साउंड कहते हैं, ये फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉली जो वर्ड है शायद आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, पर फॉली का जो इफेक्ट है वो हर फिल्म में हर सीरियल में सुनते देखते हैं, उसे एंजॉय करते हैं। सो एक्जैक्टली फॉली साउंड होता क्या है, फिल्म में जो हरकतें होती है ना इन्हें आवाज देने का फॉली साउंड काम करता है। जैसे किसी ने दरवाजा खोल दिया तो हमें दरवाजा खुलने की आवाज आती है, कोई भी कैरेक्टर अगर चल रहा है तो उसके पैरों की आवाज आती है, यहाँ तक गाड़ी का ब्रेक फेल लग गया तो ब्रेक लगने की भी आवाज आती है। ये जो सारी आवाजें हैं ये अलग से रिकॉर्ड करके दी जाती है जिन आवाजों को हम एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉली साउंड को आप फेक आवाजें भी कह सकते हो, उन आवाजों को क्रिएट किया जाता है अलग अलग प्रॉप्स यूज करके, उसे फॉली फेक कहते हैं। तो कुछ फॉली साउंड यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपने मिशन मंगल मूवी देखा है क्या, जो अक्षय सर की आई थी, उसमें ज्यादा करके हमने जो आवाज सुनी थी वो है रॉकेट की आवाज, ये भी एक फॉली साउंड है, उसे भी हम एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो वहां पे हम जा नहीं सकते और आवाज भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये आवाज किस तरह से बनी होगी, फॉलीफिक रिकॉर्ड करने के लिए इस तरह कुछ स्पेशल माइक यूज होते हैं जो इतने सेंसिटिव होते हैं कि सुई गिरने पर भी आवाज कैप्चर कर लेते हैं। तो सारे फॉली साउंड इसी तरह के माइक से रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो हम भी कुछ फॉली साउंड इसी माइक से रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो ये आवाज किस तरह से बनेगी, किस तरह से वीडियो रेडी होगा, देखते हैं वीडियो के साथ। ओके, ये जो वीडियो देख रहे हो ना इसे आवाज नहीं है, आवाज हम इस माइक से देंगे जिसे फॉली साउंड कहते हैं। तो किस प्रकार से फॉली साउंड रिकॉर्ड किया जाता है, कुछ इस तरीके से ये फॉली साउंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली ऑडियो सुना रहा हूँ, पर आप जो फिल्म देखते हो ना उसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है, क्योंकि इसके साथ इसकी आवाज ये रिकॉर्ड कर लिया जाती है, फिर एडिट रूम में एडिट किया जाता है, वीडियो के साथ कुछ इफेक्ट ऐड किए जाते हैं, तब जाकर ये आवाज आप सुनते हैं देखते हो उसे एंजॉय करते हैं। जैसे 90% फिल्मों में फाइट सीन्स होते हैं, हर मुक्के पे एक आवाज आती है, किसी गर्दन मरोड़ी जाती है, किसी का हाथ तोड़ा जाता है तो एक आवाज आती है, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल है। किसी ने सुना है कि हड्डी टूटने का आवाज, हम लोग साउथ की फिल्में देखते हैं वहां पे हड्डियां भी स्लो मोशन में टूटती है, पर ये जो आवाजें अलग से रिकॉर्ड कर देनी होती है जिन्हें फॉली इफेक्ट कहते हैं। और ये आवाज बनाने के लिए सिंपल सा हमारे पास एक प्लास्टिक की बोतल है, इसकी मदद से फॉली साउंड रिकॉर्ड किया जाता है। तो किस प्रकार से ये इफेक्ट आता है, हमारा सारा मन फाइट के ऊपर होता है, हीरो के ऊपर होता है, पर बैकग्राउंड में की यही आवाज आती है और यही आवाज सुन के हम एंजॉय करते हैं, जिसे पॉली साउंड कहते हैं, जिसे फेक साउंड भी कह सकते हो। नेक्स्ट टाइम मूवी देखो जरूर याद करोगे आप इसे। बोतल वैसे फॉली इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, हजारों में होते हैं, आप जो फिल्म देखते हो हजारों फॉली इफेक्ट होते हैं। यहाँ पे कुछ गिने चुने फॉली इफेक्ट दिखाओगे जो कि आप नहीं जानते हो। जैसे जब भी आप स्क्रीन पे कोई जलती हुई लकड़ी जब देखते हो या आपका सीन होता है तो एक आवाज आती है हमें, या आपकी आवाज हमारे दिमाग में सेट होती है कि ऐसी आपका आवाज होती है, पर ये भी एक फॉली साउंड है, फेक आवाज है। पर ये आवाज रिकॉर्ड कैसे होती है, ये आवाज रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल से मेरे पास एक कागज का टुकड़ा, इसकी मदद से फॉली साउंड रिकॉर्ड किया जाता है। तो किस प्रकार से इफेक्ट आएगा, किसी को पता था कि नहीं मैंने जैसे बताया एक टेक्निकल फ्लोर है, यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा फिल्म में किस तरह से बनाई जाती है। और जाते थे और एक आवाज आपको दिखाऊंगा मैं,
अभी तक आपने जितने भी घोड़े के टापू की आवाज सुनी, ये भी एक फॉल्स साउंड है, हम उसे मैं एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अगर घोड़े के पैर को माइक बांधेंगे तोड़े का, तो माइक भी टूट जाएगा और आवाज भी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। तो ये आवाज रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल सा मेरे पास, ये बताए सबको, इसकी मदद से ये फॉल्स साउंड रिकॉर्ड होता है, तो किस प्रकार से इफेक्ट आएगा ये? कुछ जिस तरीके से ये फॉलिस हम रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये तो मैंने आपको दो चार ही फॉलीफिट दिखाया, पर आप जो फिल्म देखते हो उस पर कम से कम 10-15 हज़ार फॉलीफिट होते हैं, जिसमें कोई भी कैरेक्टर चलता है तो उसके पैरों की आवाज आती है, कोई भी चीज उठाई जाती है और रखी जाती है तो एक आवाज आता है। जैसे किसी ने पानी का ग्लास टेबल पे रख दिया तो आवाज आती है हमें, अगर इंस्पेक्टर का डंडा भी नीचे गिर जाता है फर्श पे तो फर्श पे गिरने की आवाज आती है, ये भी एक फॉली साउंड है, उसे हम अलग से रिकॉर्ड करके देनी होती है। और ऐसे फॉलीफिक रिकॉर्ड करने के लिए बस स्टूडियो ना बहुत जरूरी है, जैसे डबिंग के स्टूडियो होते हैं, रिकॉर्डिंग के स्टूडियो होते हैं, वैसे फॉली के भी स्टूडियो होते हैं। तो स्टूडियो में इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, किस तरह से हम आवाजें क्रिएट करते हैं, कैसे प्रॉप्स यूज करते हैं, देखेंगे एक शॉर्ट वीडियो के जरिए। होप्स में फॉलीफिट होते कैसे और उसको फिल्म में यूज कैसे कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा और कुछ नया देखने को मिला होगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। उसके लिए डिटेल में फ्रेम बाय फ्रेम, इंच बाय इंच वर्क करना होगा, तो कंसिडर कर लो एक 4-5 मिनट की वीडियो क्लिप होती है ना, उसको परफेक्शन लाने के लिए 1.5 घंटा लग जाता है, जैसे कि हम सुनते हैं फिल्मों के वर्क्स की वजह से लगता है। तो आई होप आपको ये फ्लोर पसंद आया होगा, कुछ नई चीजें आपको जानने मिली होगी। अगर आपको कुछ और डिटेल में जानकारी चाहिए या फिर किसी को रिकॉर्डिंग करना हो, विजुअल शूट करना हो, तो आप इंडिविजुअल डिपार्टमेंट से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी टेक्निकल बातें बहुत होगी, अभी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी चाहिए, राइट? तो राइट साइड के स्टूडियो में आप लोगों के लिए कुछ लाइव परफॉर्मेंस भी अरेंज किए गए, आई गेस विद इन 5-10 मिनट्स में वो शो स्टार्ट हो जाएगा, बाहर गाइड भी आपको अपडेट कर देंगे, तो आप लोग वहां पे जुड़ सकते हो और वो शो भी एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच।